हाँ जी बच्चों, मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ पे थे हम बच्चों? अच्छा, कोई कुछ डिस्कशन थी आज? इस बार तो जेई मेन्स और नीट दोनों का ही पेपर लीक हुआ है। लीक तो दोनों का हुआ है, मतलब जेई मेन्स में बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया था इस बार। बहुत सही लगा मुझे, क्या सोचा मैंने कि मतलब एक्चुअली क्या है कि अगर आप सेंटर के साथ कर लो जुगाड़बाजी तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर आप रोक ही नहीं सकते। हाँ, मतलब एडवांस में पहले ऐसा होता था कि ये ना हर सेंटर में, क्योंकि इनके बच्चे कम होते थे तो दे यूज टू सेंड टीम्स, अपने प्रोफेसर, इनका हर प्रोफेसर एक सेंटर पे आता ही आता था फॉर श्योर। तो मुझे पता नहीं, शायद अब भी ऐसा करते हो, बट स्टिल वो भी क्या कर लेगा, मतलब एक प्रोफेसर भी क्या ही चेक कर लेगा कितना। जो इस बार सिस्टम था वो तो ये था ना कि मेंस में तो उन्होंने ये किया कि जैसे सेंटर से कर ली सेटिंग और मतलब वो रिमोट पे ले लिए पीसीज, रिमोट डेस्कटॉप पे। वेरी इनोवेटिव, मतलब किसी को दिमाग में भी नहीं आया होगा कि हाँ इन्विजिलेटर देख रहा है, उसमें बच्चा कर रहा है पेपर। ये तो मतलब उनकी बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जो टीसीएस वाले थे, मतलब कि उन्होंने खुद कराया है, या इतनी बड़ी चीज कैसे आप एक टेस्ट में उन्होंने ओपन छोड़ दिया कि भाई हाँ रिमोट एक्सेस हो सकता है पीसी का। ये तो फर्स्ट चीज है जो आप ब्लॉक कर सकते हो। हाँ वही, एक्चुअली क्या होता है, रिमोट व्यूइंग के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट से कनेक्ट होता है। जनरली जहां पे भी सिक्योरिटी इनेबल होती है वो उसको डिसेबल कर देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है सिक्योरिटी का। अब जान के हुआ है या उन्होंने उतना सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम ही है कंप्यूटर की कि बहुत चीजें जब हो जाती हैं उसके बाद ही आइडिया लगता है कि भी हाँ ऐसा पॉसिबल भी था। क्योंकि अगर ये तो पक्का था कि अगर वो जब चल रहा है तो किसी को नहीं पता चलना, या इन्होंने स्पेसिफिकली कोई बिठाया हो मॉनिटर कर रहा हो ट्रैफिक की किन आईपी से एक्सेस हो रहा है, क्या हो रहा है, वही चीजें हैं वो देखो। तो अभी तो इन्होंने ये किया है कि उस सेंटर के कुछ लोगों को या बच्चों को डिस्क्वालिफाई किया है। हाँ मतलब उनको तो पकड़ ही लिया, ये अभी डिसीजन नहीं दिया उन्होंने कि मतलब फाइनली क्या किया है, मतलब पूरे सेंटर का री एग्जाम होगा या बस उन बच्चों को डी बार कर देंगे या क्या होगा। नीट वालों ने, ये हुआ था कि अगेन सेंटर के साथ था तो वहां जो सेंटर स्कूल था स्कूल का प्रिंसिपल इन्वॉल्व था, तो बच्चे गए 2 बजे। उन्होंने एक्चुअली क्या होता है कि सेंटर के पास तो क्वेश्चन पेपर पड़े ही होते हैं, तो उन्होंने अगर वह प्रिंसिपल ही चाहे, हेड चाहे, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। उसने क्वेश्चन पेपर की व्हाट्सएप भेज दिए बाहर, और बाहर कोई टीम बिठा रखी थी जो उसको सॉल्व कर रही थी। जो मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, मुझे ये नहीं पता कि वो सॉल्व करके वापस कैसे बता रहे थे आंसर्स, कि मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उन्होंने शायद मास्क के अंदर ना, जैसे अपने जो नॉर्मल N95 मास्क हैं उनके अंदर कहीं, तो जैसे उसके अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उनकी लेयर्स के बीच में चिप एम्बेड कर लिया कि
कि नैनो सिम लेके और कुछ वो पता नहीं क्या कुछ माइक लेके या जो भी, कि वो माइक से आवाज आ रही थी बच्चे को। दिमाग लोग बहुत लगा लेते हैं। ये नहीं पता जो अभी द थिंग विच रिमेन्स टू बी सीन इज कि वो कितना फैल चुका था। ये तो कंफर्म्ड हो गया कि 2:30 बजे व्हाट्सएप पे बाहर निकला है पेपर, अब कितनी जगह चला गया ये जज करना मुश्किल। इसमें तो हाँ ऐसे पता भी नहीं चलेगा, उसमें भी ऐसे तो बहुत मुश्किल है, इतने लोगों का कैसे कंपेयर करेंगे वो। नहीं कितने बच्चों का देखोगे ना, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका इम्प्रूवमेंट हुआ ही हो, अब सबका हाँ वो ठीक है। अब जैसे इसमें एक और पंगा है, वही जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो व्हाट्सएप से ही जब गया है तो ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल है। मान लो SMS गया होता, फोन गया होता, वो तो फट से ट्रैक कर लेते कि कहाँ कहाँ गया है। व्हाट्सएप का तो देसी तरीका है कि अगर आपको जिसने व्हाट्सएप भेजा है उसको पकड़ो, उसको डंडे मारो और वो बताएगा कि मैंने किस किस को भेजा है, फिर उसको पकड़ो कि उसने किस किस को भेजा है। तो वही वो कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ही चल रहे हैं, रिमांड में लिया हुआ है। जैसे एक बंदे को पकड़ा, उससे पता चल गया कि उसने दूसरे को भेजा है, अब उसका मोबाइल पकड़ लिया। तो बट थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ऐसा लगता है ना सोच के कि ये तो चलो सामने आ गया, तो मतलब हर बार ऐसा भी होता ही होगा जो बिना पकड़े चले जाती होंगी चीज, इतना वाइड स्प्रेड एग्जाम में। और मतलब जैसे अपने थोड़े हालात हैं, मतलब बहुत आसान है ये सब कुछ हो पाना। हाँ मेरे को तो पक्का लगता है हर साल लीक होता है, पता कभी कभी चलता है, कुछ एक्सटेंट तक तो होता ही होता होगा, कोई तरीका ही नहीं है उसको फूल प्रूफ बिल्कुल रोकने का। ये हो सकता है कि जेई मेन्स अभी नया तरीका आया हो, एक आध साल हो सकता है कि इमिजिएटली लोग नाट सोच पाए हो कि कैसे करना है क्या करना है। यार क्या पता, नहीं वो तो पकड़ लेते हैं। जैसे अभी तो इन्होंने कैसे लोग ढूंढे हुए थे कि जिनको खुद मेडिकल में एडमिशन मिली हुई थी, कई बार ही वो लोग होते हैं। जैसे इस बार भी दोनों जगह आप देखो कि दोनों जगह जो मास्टरमाइंड थे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे। तो वो तो सॉल्व कर ही देंगे ना पेपर अगर इतना करने पे आ गए तो। मतलब जिसको पकड़ा है इन्होंने कल, वो खुद मतलब वो राजस्थान PMT का टॉपर था जिसने सारा कुछ प्लान किया। एक बार ना जेई एडवांस की भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी पेपर लीक को लेके। मैं ईयर भूल गया, 97 में तो लीक ही हुआ था, वो तो चलो प्रॉपर लीक हुआ था, पता चल गया और री एग्जाम हो गया। कुछ साल बाद ना कुछ ऐसा हुआ था कि पता नहीं कौन से इन्होंने पास्ट रिपोर्ट्स चेक की थी और उससे कुछ ऐसा निकल के आया था कि मतलब ना कि जैसे IIT के प्रोफेसर्स के बच्चों को एडमिशन्स मिली हुई थी थोड़ी अनयूजुअली हाई। तो बस वो बात दबा दी गई, इतनी बाहर नहीं आई, मतलब हुआ था 100%। उसके बाद से इन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया था जो मुझे याद आ रहा है कि अर्लियर IIT वाले ना ये आउट नहीं करते थे आंसर की वगैरह या कुछ, मुझे अब ये नहीं याद कि उसका क्या रीजन था, बट जब ये कुछ लीक हुआ था फिर उसके बाद ये शुरू हुआ था कि हाँ जी हम हर बच्चे के मतलब हम ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेंगे और उसके हिसाब से फिर कुछ ऐसी बात उठी थी कि पहले तो सिर्फ मार्क्स बता देते थे, आपके पास कोई ये तरीका नहीं था कंफर्म करने का कि आपके वो मार्क्स हैं या नहीं, कोई OMR वगैरह तो कुछ आपको दे नहीं रहे थे वो। फिर जब हुआ था तो उन्होंने कुछ ये शुरू किया था कि आपको आंसर की देंगे उसके हिसाब से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो या कुछ हुआ तो खास क्या। तो एंड फिर बात वही है कि अगर करने पे आ जाओ तो पॉसिबल है, इंडिया में इतना मुश्किल नहीं है काम, बहुत लूप होल्स होते हैं। तो कुछ एक्सटेंड तक तो होता ही होगा, मतलब हम मान सकते हैं सेफली। ओके
तो ये बच्चों चलो आप जो पढ़ रहे थे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पे हमने सो फार क्या कुछ पढ़ा था। हमने सबसे पहले तो डिफाइन कर दिया कि जो लाइट की पार्टिकल नेचर होती है उसको हमने फोटॉन बोला, और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। फिर हमने डिफाइन किया फॉर सम रीजन, अभी हमें समझ नहीं आया क्यों किया, हमने मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्वांटिटी डिफाइन की, जो कि बता रही थी कि उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। और फिर हमने सॉर्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन टाइप्स लगा दिया, जिसके बेसिस पे हमने आइंस्टाइन इक्वेशन लिखी, विच सेज की जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अब यहाँ पे के मैक्स की क्या सिग्निफिकेंस थी कि भाई आप मैक्स बता सकते थे, आप एक्चुअल नहीं बता सकते, बिकॉज जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इट कैन गो मल्टीपल अंडरगो मल्टीपल कोलिजन। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, उस इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख दिया था। ओके, तो यहां तक बच्चों क्लियर सो फार? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे स्पेसिफिक फिनोमिना की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है, जो कि हम देखेंगे कि विल एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि बताएगा कि हाँ भाई ये जो फिनोमिना हो रहा है आप इसको तभी एक्सप्लेन कर पा रहे हो अगर आप लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हो, और इसी के अंदर हमने जो ऊपर वाली टर्म्स पढ़ी हैं वो यूज होंगी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक है ना, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स समथिंग लाइक करंट, तो कहीं ना कहीं ये दो क्वांटिटीज रिलेट होने वाली हैं बच्चों। तो इसमें बच्चों जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है इट इज लाइक दिस। बेसिकली क्या है एक बार समझो, देयर आर टू, बहुत सिंपल सेटअप है, देयर आर टू प्लेट्स। ठीक है, वन प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, खाली है, कैपेसिटर टाइप्स के लो है ना, थोड़ा गैप ज्यादा है, और एक नीचे हमने लगाया हुआ है अमीटर, इसको हमने स्पेसिफिकली लिखा है माइक्रोमीटर, मिलीमीटर सॉरी, बिकॉज जो करंट्स होंगे बहुत छोटे होंगे तो हमारे को कम रेंज वाला अमीटर लगा। अब हम कर क्या रहे हैं बच्चों, आप देखो कि जिस प्लेट पे, जो प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है, हम उस प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर देखो हमने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की है। ठीक है, एंड ये ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि जब इस प्लेट के ऊपर लाइट डाली हमने ऑफ सूटेबल वेवलेंथ, क्या पैरामीटर्स हैं अभी समझेंगे, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। ठीक है, अब क्योंकि हमने दूसरी साइड वाली प्लेट जो थी वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखी हुई थी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, एक करंट सेटअप हो गया जो कि हमारे को यहां पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है कि एक मेटल प्लेट के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन लाइट इंसिडेंट की और उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए, ठीक है, या करंट सेटअप हो गया, इसको हम कहते हैं। बेसिकली करंट तो हमने क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हमारी नेकेड आई को दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनको प्रूव करने का तरीका क्या है कि हमने सेटअप ऐसा बनाया जहां पे हमने करंट रिकॉर्ड किया, तो अगर करंट आ रहा था तो इससे पता चल गया कि हाँ भाई वो तभी आ सकता है अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये हमने सेटिंग की। ठीक है बच्चों, एक बार ये फिगर बना लो फिर इसके आगे की टर्म्स पढ़ते हैं।
ठीक है जी। अब अगर हम बहुत ही मोटा मोटा सोचें और जो हमने अभी बात सीखी थी पिछली क्लास में, उससे इतना तो समझ आ रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बताओ बच्चों कि लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकला। भाई हम कहें कि लाइट कैरीज एनर्जी, वो तो वेव ऑप्टिक्स भी कह रही थी कि जो ईएम वेव होती है उसके पास एनर्जी होती है, तो लाइट कैरीज एनर्जी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली। हमने अभी बात की थी वर्क फंक्शन एटसेट्रा की, तो उससे ऐसा हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई सफिशियंट तो इलेक्ट्रॉन बाहर, राइट। तो अब जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इस एक्सपेरिमेंट की, जिसके बेसिस पे हमें ये समझ आएगा कि कैसे कई कई जगह वेव ऑप्टिक्स पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, और वो हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम पार्टिकल नेचर मानते हैं। ठीक है जी। ओके, जो बच्चों सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि हमने बच्चों मान लो कि हमने एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया, हमने लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लेके एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि अगर लाइट की जो एनर्जी है वो W से ज्यादा है, मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रहे थे। ठीक है। मुझे सोचकर बताओ क्या ये ऑब्जर्वेशन किसी तरीके से लाइट की वेव नेचर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, या फिर जो उसकी पार्टिकल नेचर है उसको प्रमोट कर रही है? मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि भाई सिर्फ इसी केस में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम सोचें व्हाट इज वेव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर कहीं पे वेव है तो एनर्जी वाइज हम क्या कहते हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इजंट इट? वेव रिप्रेजेंट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है। जस्ट फॉर अ मिनट अगर हम ऐसे सोचें कि इस मेटल प्लेट के ऊपर एक वेव डल रही है, ठीक है, तो हमने वेव के लिए टर्म भी डिफाइन की थी, इंटेंसिटी, वो क्या होती है, एनर्जी पर एरिया पर टाइम, करेक्ट। तो जस्ट इमेजिन करो कि इस लाइट की कुछ इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी से मुझे पता है कि पर टाइम पर एरिया कितनी एनर्जी डल रही है। मान लो मैंने उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या पता चल गया, पर टाइम कितनी एनर्जी डल रही है। तो इसका तो क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ती रहनी चाहिए। इस मेटल प्लेट को तो कंटिन्यूअसली एनर्जी मिल रही है ना, अगर वेव है तो कोई टाइम तो ऐसा आना चाहिए ना कि जब इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी हो जाए कि वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि जो लाइट डल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत कम है, तो क्या होना चाहिए? भाई टाइम लेके ले ले, धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहे इलेक्ट्रॉन, जब हो जाएगी आधे घंटे बाद एक घंटे के बाद तब वो निकल जाए। ठीक है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लाइट की, मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो जल्दी निकल जाए। क्या ये बात थोड़ी सी समझ आती है ना? लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया कि भाई अगर तो आप लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और तब तो इंस्टेंटेनियसली निकल जाएगा, तब कोई टाइम गैप नहीं आता।
और अगर आप उससे कम डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, आप चाहे 2 घंटे रखी रखो चाहे 4 घंटे रखी रखो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। इससे क्या समझ आ रही है बात मुझे? कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है वो एक झटके में ले रहा है एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, वो तो झटके में ले रहा है। तो अगर तो वो झटके में एनर्जी जो उसको मिली वो उसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो वो निकल आएगा, नहीं तो वो नहीं, ठीक है। तो ये जो झटके में एनर्जी लेने वाली बात है वो वेव नेचर तो समझा ही नहीं सकती, वेव नेचर तो ये कहेगी कंटिन्यूअस एनर्जी आनी चाहिए, ठीक है। पार्टिकल नेचर, नाउ दैट हमने डिफाइन कर ही दिया पार्टिकल, उससे क्या झटके वाली एनर्जी डिफाइन होती है? यस, फोटोन है, फोटोन की तो हमने एनर्जी फिक्स कर दी एच सी वाई लैम्डा, तो अगर तो वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया तो एकदम से वो एच सी वाई लैम्डा एनर्जी आ गई, नहीं तो नहीं आई। क्या ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर हो गई? ठीक है, ये समझ आता है कि हाउ इट इज प्रमोटिंग द पार्टिकल नेचर एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग द वेव नेचर। ऑनलाइन ओके, तो बच्चों क्या है ना, द गुड थिंग इज जैसे वेव ऑप्टिक्स में था YDSE, जितने क्वेश्चंस आने हैं उस पे ही आने हैं, ऐसे ही ये जो चैप्टर है इसमें एक ही फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक, तो जो क्वेश्चंस आने हैं वो इसी पे ही आने हैं और इसकी वेरिएशंस पे, ठीक है, और बहुत वेल डिफाइंड वेरिएशंस हैं। वैसे अभी हम जो पढ़ेंगे तो मतलब ये दिस इज वन सच चैप्टर जिसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, कुछ मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है वेरिएशंस के। फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तब तो सरफेस पे रह जाएंगे, मतलब इधर नहीं जाएंगे, अभी वो आएगा सारा कुछ। क्लियर टिल नाउ बच्चों? तो इस कारण से करंट सेटअप हो गया सर्किट पे। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन ही है, फिर चलो हम फिर से अलग से ऑब्जर्वेशंस को दोबारा लिख रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने पहली बात की कि अगर आप लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम डालते हो तब तो कोई करंट ऑब्जर्व नहीं होता। तो बच्चों क्योंकि हम अब समझ चुके हैं कि हाँ पार्टिकल होता है, तो ये पॉइंट अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा होगा, कि भाई क्या किया होगा इलेक्ट्रॉन ने, एनर्जी को मतलब फोटोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया है, तो वो एक सडन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। तो बच्चों एक बात माइंड में रखना कि फोटोन जो होता है, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो एक, फोटोन इज लाइक अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, Which cannot be shared. या आपके पास पूरा फोटोन आएगा या कुछ नहीं आएगा, ठीक है,
अगेन दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी मैकेनिक्स. क्यों? मैकेनिक्स कहती है एनर्जी ट्रांसफर, आप कोलिजन करा दो या कुछ कर दो तो जितनी मर्जी ई के हिसाब से या कुछ करके आप एनर्जी अलग अलग ले सकते हो. ये जो पार्ट ऑफ फिजिक्स है बच्चों, इसको आइडली वी कॉल इट एज क्वांटम फिजिक्स. ठीक है, ये कॉल्ड वेदर एक नई फिजिक्स है. ये क्वांटम फिजिक्स ऐसी बातें करती है कि जहां पे आपको अगर कुछ मिल रहा है तो एक झटके में मिल रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मतलब लेटस इमेजिन कि एक फोटोन की एनर्जी लेटस से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है. ठीक है, तो भाई यू इधर गेट 5 और यू गेट 0, मतलब यू इधर एब्सॉर्ब द फोटोन और यू डोंट एब्सॉर्ब द फोटोन, दैट्स इट. यू हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. इट इज नॉट लाइक कि भाई आपको कि हाँ जी फोटोन के साथ इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ई 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और उसके हिसाब से एनर्जी डिसाइड. ठीक है, फोटोन के साथ तो मतलब दो ही ऑप्शन हो. आई बात समझ? तो मतलब या इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, बस. इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट. तो अगर लाइट की आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंटेनियसली बाहर निकला. यहां से भी बात समझ आती है इंस्टेंटली कैसे निकल रहे होंगे अगर इंस्टेंटली एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे होंगे. ठीक है, तो जो ये थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है 10^-6 सेकंड्स के ऑर्डर का, वो भी क्यों लग रहा होगा जो भी वो कोलिजन्स कराते कराते बाहर निकलना है ना. अब बच्चे एक बात समझते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हम ये तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि चलो due to whatsoever reasons हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जो है वो फोटोन की तरह बिहेव कर रही है. जस्ट इमेजिन कि भाई इट्स लाइक कि वो जो मेटल सरफेस है उस पे फोटॉन्स की बारिश हो रही है. ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बोला कि अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या फिर नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर तो बच्चों फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कमी है तो क्या होगा, फिर तो एब्जॉर्ब करे चाहे ना करे क्या होगा, बाहर तो निकलेगा नहीं. ठीक है, अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो वो बाहर निकल आए. ठीक है, अब बच्चों इवन इफ फोटॉन्स की हम मान ले कि बारिश हो रही है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं होता. ऐसा नहीं है कि अगर एक फोटॉन्स की बारिश हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पक्का ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, यहां पे रोल आ जाता है प्रोबेबिलिटी का कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को पक्का एब्जॉर्ब कर ही ले. देर आर वेरी गुड चांसेस कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर ही ना पाए. क्यों भाई? कौन सा अगेन ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे है और सीधा फोटोन उसी के ऊपर गिर रहा है. फोटोन आसपास बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन के फोटोन एब्जॉर्ब करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है. इनफैक्ट इट टर्न्स आउट मतलब विदाउट प्रूफ कि ये 2-3% ही होती है. मतलब अगर आप 100 फोटॉन्स डालोगे तो 2-3 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, बाकी तो बाहर निकल ही नहीं पाते, बाकी फोटोन इधर उधर जहां भी चले जाते. ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन.
ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू कैनॉट डायरेक्टली प्रूव, बट हाँ समझ आता है कि भाई बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड है बहुत जगह पे, तो हो सकता है कि भाई हाँ फोटोन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के पास ना पहुंच पाए. अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स. दिस इज लॉजिकल, ये तो 0.3 से आ रहा है. भाई अगर आपने 100 फोटॉन डाले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, आप 200 डालोगे तो 4 निकले, तो करंट जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल. क्या ये बात समझ आई बच्चों? अब बच्चों ये बताओ, मान लो हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हम बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड से तो पहले ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल रहे हैं, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो फोटॉन की टर्म्स में ही सोचते हुए बताओ क्या होना चाहिए हमारी ऑब्जर्वेशन में. अगर हमने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या चेंज आएगा? मतलब करंट को भी अभी छोड़ दो, पहले मतलब यही बताओ सिंपली इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में क्या होगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कुछ चेंज आना चाहिए? क्यों? हमने तो फ्रीक्वेंसी चेंज की है, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स तो चेंज ही नहीं किया, हमने लिख दिया क्लियरली कि भाई करंट तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल है, हमने वो तो चेंज नहीं किया, हमने क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी, मतलब हमने हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दी. अगर फोटॉन की एनर्जी बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ना चाहिए बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो ज्यादा एनर्जी से निकलेंगे, मतलब हमने के ई मैक्स बढ़ा दिया, सीधी बात. क्या ये बात समझ आती है सबको? ठीक है, अगेन दिस इज एन ऑब्जर्वेशन जो कि पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पा रही है. वेव नेचर क्या कहती है? भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो एनर्जी बढ़ा दी, अगर एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होना चाहिए था? उसको ये दिखना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाए, isn't it? तो ये नहीं हुआ, बस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से बाहर. तो मतलब नाउ दिस पॉइंट सीम्स ऑब्वियस क्योंकि हमने पहले ही आइंस्टाइन इक्वेशन लिख दी है, राइट? आइडली क्या था कि ये था, इसके बेसिस पे फिर आइंस्टाइन इक्वेशन आई. क्लियर बच्चों? ऑनलाइन बच्चों क्लियर? ओके, अब बच्चों एक बार इस फिगर को दोबारा देखो. ठीक है बच्चों, मान लो हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं. ठीक है बच्चों, आइडली वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो हर डायरेक्शन में निकलेंगे, वी कैनॉट कंट्रोल द डायरेक्शन. ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे आप इस फिगर में भी देखोगे, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई राइट को जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, एंड सो ये बात समझ आती है. अगर मैं बच्चों ये जो नीचे वाला पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? अगर इसको मतलब
पॉजिटिव ज्यादा करते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो क्या होगा, क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, है ना? जो इलेक्ट्रॉन पहले शायद ऐसे टेढ़ा निकल जाता, अब अगर आपने यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, वो उस प्लेट तक पहुंच सकता है, मानते हो? ठीक है, आप ये भी सोचो एक बार बच्चों, मान लो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं एक बार, मान लो मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दूं तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे जो स्टिल राइट की तरफ पहुंच रहे होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ही राइट की तरफ है, वो तो अभी भी पहुंच रहे होंगे, ठीक है, मानते हो? अब जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं क्या होगा, ज्यादा पहुंचने शुरू हो जाएंगे, बट मैक्सिमम कितने पहुंच सकते हैं, अगर आप एक सफिशियंट अमाउंट से बढ़ा भी दो पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो राइट साइड पहुंच जाएंगे? भाई बेस्ट केस सिनेरियो आप उतने ही राइट को भेज सकते हो जितने निकले थे, भाई अगर 10 निकले थे मान लो, भी जितने भी आपने फोटोन डाले थे उस कारण से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आप बेस्ट केस सिनेरियो में भी यही इंश्योर कर सकते हो ना कि 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट को पहुंच जाए, 10 से ज्यादा तो नहीं पहुंचा सकते। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी कुछ ना कुछ करंट होगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो क्या होगा, कुछ देर तक करंट बढ़ेगा और उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है जी, अब उल्टा सोचते हैं बच्चों, मान लो मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने नेगेटिव कर दिया, फिर क्या होना चाहिए, मतलब पोलैरिटी चेंज कर दी, अब इस प्लेट राइट साइड वाली प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, लाइट लेफ्ट प्लेट पे डाली, क्या अभी, पहले ऐसे सोचो, क्या अभी ऐसा पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट को पहुंचे, क्यों, उसके पास कुछ एनर्जी है, कुछ स्पीड है, नो डाउट कि जब आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो वो रिपेल हो रहा है, उसको रिटार्डेशन मिल रही है, बट ऐसा तो हो सकता है ना कि उसके पास सफिशिएंट स्पीड हो कि वो रिटार्ड करता करता भी पहुंच जाए वहां तक, है ना? अब इसका भी लिमिटिंग केस बनाते हैं, मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा नेगेटिव करते हैं, तो हमें मतलब सोचो ध्यान से कितना नेगेटिव हम कर दें सच दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन राइट वाली प्लेट पे ना पहुंचे, सोचो किसकी टर्म्स में कह सकते हैं, मतलब कौन सी क्वांटिटी ये डिसाइड करेगी कि आप इतना नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कर दो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन राइट को ना पहुंचे, करंट जीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी सोचो कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी, मैक्स, अगर आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया कि के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच रहा, फिर तो ऑब्वियसली और कोई भी नहीं पहुंच रहा, है ना, तो उस पर क्या हो जाएगा, करंट जीरो, बात समझ आई? तो इसका मतलब बच्चों कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले जीरो पे स्टार्ट करें, जीरो पे हमें कुछ करंट मिलेगा, अगर हम जीरो से बढ़ाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, करंट कुछ देर बढ़ेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, देयर इज नो सच डिफाइंड वैल्यू देयर कि किस वैल्यू पे करंट मैक्सिमम हो जाए, लेकिन जब आप जीरो से कम करोगे, जब आप नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, करंट कम होगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके करंट जीरो ही हो जाएगा, यहां पे हम पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, वो कौन सी होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस के मैक्स के बराबर हो जाए, E into V, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो के मैक्स के इक्वल हो जाए तो रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन का,
अंडरस्टूड। और उल्टा अगर पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट जीरो हो जाता है। ये बात समझ आ गई बच्चों? और वो पर्टिकुलर वैल्यू बच्चों निकलेगी कैसे? उसे के मैक्स से बच्चों, जो हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, दिस इज अ ग्राफ ऑफ आई वर्सेस वी, ठीक है? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ करंट होगा, जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो करंट कुछ देर बढ़ता है और वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, जिसको हमने बोल दिया सैचुरेशन करंट। जब आप पोटेंशियल कम करते हो तो करंट कम होगा और एक वैल्यू पर जो करंट है वो जीरो हो जाता है। उस वैल्यू को बच्चों हमने लिख दिया एज माइनस पीएस। ये बच्चों ग्राफ की जो नेचर है, मतलब जो शेप है नेगेटिव से पॉजिटिव में, ये जो कर्वेचर है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? ये अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग भी बना होता है, ना ही वाई इंटरसेप्ट की कोई इंपॉर्टेंस है कि जीरो पे कितना करंट होगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हाँ कुछ होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंस है सिर्फ एक्सट्रीम्स की, कि भाई बाद में सैचुरेशन बन गया और लेफ्ट साइड पे जीरो बन गया, ठीक है? सो यू विल नेवर बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन अबाउट दिस इन बिटवीन रीजन की इंटरसेप्ट क्या है या फॉर दैट मैटर कब सैचुरेशन आ गया, ये आप नहीं बता सकते। ये वीएस जो होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? यहां पे एक छोटी सी बात समझने वाली है। देखो कि मैंने इसको माइनस वीएस लिखा, इसका मतलब जो वीएस क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि वो वाला नेगेटिव पोटेंशियल या वो वाला पोटेंशियल जिसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, जिससे कि करंट रुक जाएगा, ठीक है? स्टॉपिंग टर्म क्यों आई? करंट को रोकने वाली। ऐसे कह लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वीएस को हम बोलेंगे एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये निकलेगा कैसे? ईवीएस को के मैक्स से इक्वेट कर देंगे हम। तो बच्चों जो हमने पहले आइंस्टाइन इक्वेशन के मैक्स की टर्म्स में लिखी थी, अब मैं उसको इन टर्म्स ऑफ वीएस भी लिख सकता हूँ, है ना? तो फिर अगर वीएस की टर्म्स में होगा तो वही उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप्स हैं या इंटरसेप्ट्स हैं वो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। Any doubt? Stopping potential की definition लग जाता है। Magnitude of potential at which no electron reaches the other plate. हाँ, ये लिमिटिंग केस है कि जिससे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल राइट वाली प्लेट तक पहुंचा और मुड़ गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ बस उस प्लेट पे।
अंडरस्टूड बच्चों? अब अच्छा, एक बात का बहुत ध्यान रखना है इस चैप्टर में, इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी पर एरिया पर टाइम। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट है बच्चों, आप उसकी इंटेंसिटी कैसे बोलोगे, उसकी एनर्जी कैसे बोलोगे? भाई एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एन एच न्यू अपॉन टाइम होगी इंटेंसिटी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है इस चैप्टर का, आप कह लो एक तो बस एक चले आ रहा है नॉर्म। अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं कि मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, अपने फॉर्मूला से सोचो। एन एच न्यू अपॉन टाइम से मैं एन भी बढ़ा सकता हूँ और मैं न्यू भी बढ़ा सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो इस चैप्टर में ऐसा है कि हम ये कहते हैं कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम एन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक थोड़ी सी मतलब एक पुरानी गलत नॉर्म चली आ रही है कि हम जब भी इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे। मैंने ऑफ लेट देखा है कि कई जगह पे जब ये क्वेश्चन आता है वो क्लैरिफाई करने लगते हैं कि इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय कीपिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, या इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। वो क्लियर कर दो फिर तो बात ही बहुत सही हो गई, बट अगर कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मानोगे कि एन चेंज कर रहे। ठीक है, कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप इन दोनों तरीके से बढ़ा सकते हो। अच्छा है, यहाँ लिख लो एन एच न्यू। हाँ एरिया, तो बच्चों अगर मैं करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कैसा ग्राफ है? और इंटेंसिटी मतलब वही एन वाली इंटेंसिटी मानते हो तो कैसा ग्राफ होना चाहिए? हमने लिखा ही था ऊपर कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो वो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट है। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड यहाँ पे फिर से जब हम इंटेंसिटी चेंज की बात कर रहे हैं, दिस इज अज्यूमिंग एफ इज कॉन्स्टेंट। तो जो इसका मतलब एक सिंपल एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे आप इमेजिन करो कि जो मेटल प्लेट है उसके ऊपर आप एक बल्ब से लाइट डाल रहे थे, आपने उसके साइड पे बल्ब रखा हुआ था, तो इट इज लाइक आप बल्ब उसके पास ले आए, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी तो वही रही, बस इंटेंसिटी बढ़ गई, है ना। क्यों बढ़ गई? कि मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्प्रेड हो रहे थे एक स्फीयर में, जब
जितना पास आ जाओगे उतने ज्यादा पर एरिया नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। क्लियर? ओके। और अगर मैं बच्चों अब एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, मान लो ये तीन ग्राफ्स बने हुए हैं 1 2 3, ठीक है, तो मुझे आप तीनों ग्राफ्स में से कंपेयर करके बताओ 1 2 3 में इंटेंसिटीज को और फ्रीक्वेंसीज को। हाँ जी वाह भाई, सबसे पहले इंटेंसिटीज बताओ मुझे क्या होंगी। दोबारा ऑनलाइन आप भी सब इंटेंसिटी का रिलेशन लिखो पहले, मतलब I1, I2, I3 में क्या रिलेशन होगा। भाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, 1 की? 2 और 3 में तो करंट सेम ही है, सैचुरेशन करंट है, सेम नहीं है तो क्या मतलब हो 2 3 की सेम है इंटेंसिटी। वो तो कुछ नहीं कह सकते आप, मतलब जीरो पे तो वो तो 2 वाले केस में अलग डायरेक्शन में निकल रहे होंगे, 3 में अलग डायरेक्शन में निकल रहे होंगे, तो जो इंटेंसिटी कंपेयर होती है वो सैचुरेशन करंट का ही होती है। ठीक है, जो ऊपर वाला ग्राफ है वो भी सैचुरेशन करंट को ही डिनोट कर। फ्रीक्वेंसी से नहीं है, इंटेंसिटी से है। ये तो हमने क्लियरली जो इंटेंसिटीज कंपेयर की वो तो सिंपली बस ये करंट को देख के कर दे कि सैचुरेशन करंट 1 का ज्यादा है 2 3 का सेम। हाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब दिस इज ऑफकोर्स अज्यूमिंग कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। हाँ नहीं वही मैंने लिखा था कि जो आप कंपेयर कर रहे हो वो एन को कंपेयर कर रहे हो, फोटॉन्स को। ठीक है, यू आर जस्ट कंपेयरिंग कि नंबर ऑफ फोटॉन्स दोनों में
सेम है या डिफरेंट, फिर हाँ फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर देंगे तो अलग हो जाए। ठीक है बच्चों, हम जो इंटेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऑनलाइन ये बात क्लियर हुई? ओके, व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसीज, हम क्या कह सकते हैं? वन और टू की सेम है और वो थ्री से ज्यादा है ना, क्योंकि उनका चॉपिंग पोटेंशियल हमें दिख रहा है कि ज्यादा, तो ये हमारा रिलेशन। ये क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? नेक्स्ट एग्जांपल, एक मेटल स्फीयर है, उसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू है, हमने आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, हमने उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर दी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, आपको बताना है फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर। थोड़ा सोचो बच्चों क्या होगा, उस पे लाइट डलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो मतलब स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब स्फीयर का पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, कब ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद कर देंगे।
वरुण हर्ष ठीक है। मतलब इजेक्ट नहीं होंगे ना, सरफेस पे रह जाएंगे। वो कैसे डिक्रीज कर रहा है, दैट डजंट मैटर। आप तो स्टेडी स्टेट सोचो कि तब क्या होगा फाइनल। इसीलिए लिखा फाइनल चार्ज ना। तो बस हम क्या करेंगे बच्चों, बेसिकली क्या होगा, अगर स्पीयर का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तब वो फाइनल चार्ज होगा। ये क्लियर हो गया बच्चों सबको? ओके मुझे एक बात सोचो। चलो हमने मान लिया कि जो सारा कुछ हुआ उसके हिसाब से भाई कि फोटोन की नेचर, मतलब फोटोन की एग्जिस्टेंस प्रूव होगी, ठीक है। अब मान लो बच्चों एक सिचुएशन सुनना ध्यान से। लेट अस से एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन लेट से 8 है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। हमने उस पर फोटोन डाले जिसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से? भाई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटॉन को पूरा ही एब्जॉर्ब करता है या फिर नहीं करता। अब क्या ये पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन एब्जॉर्ब कर ले, वो पांच पांच के दो कर ले, 10 हो गई, फिर निकल जाए? यहां तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई। तो क्या होता है बेसिकली, थ्रेटिकली देर इज नथिंग विच इज स्टॉपिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एब्जॉर्बिंग टू फोटॉन्स, ठीक है। देर इज नो सच थ्योरी विच सेज कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज प्रॉब्लम आ जाती है वही प्रोबेबिलिटी में। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके? चलो ये तो वैसे ही हम, मतलब हम वैसे ही निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। आप ये सोचो अगर हम कह रहे हैं कि एक फोटोन एब्सॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी 2% है, तो दो फोटोन एब्सॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि अगर हमने, एक मिनट के लिए सोचो कि मान लो मैंने 1000 फोटॉन डाले थे, 1000 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन एब्जॉर्ब किए? 20। मतलब मैं अब 20 में से कितने इलेक्ट्रॉन फर्दर होंगे जो फोटॉन एब्जॉर्ब करेंगे? अगर हम बिल्कुल प्योर प्रोबेबिलिटी से बात करें तो 20 के भी 2% कितना बचा? 0.4, ठीक है। तो क्या होता है कि जितना आप, और एक और फैक्टर जो आ जाता है वो ये भी होता है जिसको हम एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ने, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करें, एक इलेक्ट्रॉन ने मान लो 5 वाला फोटॉन एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा? मान लो अभी सिर्फ एक की है, वर्क फंक्शन 8 है, उसने 5 वाला एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा? शेल कहां से आ गई, ये तो है ही फ्री इलेक्ट्रॉन, हम तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होगा, वो थोड़ी सी कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा, निकल तो पाएगा नहीं, और फिर वही कोलिजन वगैरह में एनर्जी लूज कर देगा और वहीं रह जाएगा, ठीक है। हो सकता है वहां भी ना रहे, थोड़ा बहुत खिल गया। तो
अब ये भी डिपेंड करता है कि जो दूसरा फोटोन है वो कब एब्जॉर्ब हुआ, कि क्या वो एकदम ही हो जाए अगर, तो कि अगर तो बिल्कुल आइडियल के सिनेरियो माने कि पहले एक हुआ और जस्ट इमीडिएटली दूसरा हो गया, फिर तो क्या होगा, पांच पांच दस निकल आए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी उसकी एनर्जी कमी बची थी और इतने में फिर जाके दूसरा आया तो नहीं निकलेगा। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि थ्रेटिकली हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इट इज जस्ट कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम, ठीक है। करने को तीन चार भी कर सकता है, कोई ना कोई हो सकता है, एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जिसने तीन फोटॉन एब्जॉर्ब किया हो या चार फोटॉन एब्जॉर्ब किया, बट वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती जाती। हाँ, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, हम नहीं कंसिडर करते, हम वो एक वाले के हिसाब से सारा कुछ सॉल्व करते हैं, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड। ठीक है जी, ओके। अब बच्चों हम एक बार एक्सप्लिसिटली लिख लेंगे कि वेव थ्योरी का फेलियर कैसे हुआ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसको बच्चों हम तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फेलियर, जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम एक तरह से बोल देते हैं कि इंटेंसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, एक बार समझो, वेव थ्योरी के हिसाब से तो आप एन और लैम्डा को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वेव थ्योरी तो क्या कह रही है, एनर्जी पर पर टाइम पर एरिया, ठीक है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मतलब उस तरीके से भी बढ़ाते हो कि आप सोर्स को पास लेके आ रहे हो, तो वेव थ्योरी तो यह कह रही है कि इंटेंसिटी बढ़ गई, तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जानी चाहिए थी। बट ऑब्जर्व क्या किया गया कि मतलब करंट बढ़ जाना चाहिए वेव थ्योरी के हिसाब से, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि करंट नहीं बढ़ा। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, एक मिनट दोबारा सोचो क्या बोलना चाहते हैं। वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी सिंपली एनर्जी पर एरिया पर टाइम, ठीक है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए, एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। एनर्जी बढ़ गई तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट भी बढ़ जाता है। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ तो सोर्स, वो वाला सिस्टम, वही सोर्स को पास ले आओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, तो क्या हो सकता है कि करंट भी बढ़ सकता है ना। तो मतलब वेव थ्योरी तो एन और उसको एफ को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रही थी ना, थ्योरी तो टोटल एनर्जी की बात ही कर सकती थी। ये तो पार्टिकल थ्योरी कह रही है कि भाई एक नंबर ऑफ पार्टिकल है और एक हर पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पांच पॉइंट लिख लो।
क्लियर बच्चो? नेक्स्ट बच्चो, हम जो इश्यू कहते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉप। तो वेव थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि क्यों इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलता है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है ना। वेव थ्योरी के हिसाब से तो उससे पहले भी निकल जाना चाहिए, टाइम ले ले चाहे बट निकलना चाहिए था। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों टाइम डिले प्रॉब्लम या टाइम लैग प्रॉब्लम। तो वेव थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि चलो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी है तो भी ऐसा कैसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन झटके में ही बाहर आ रहा है। वेव थ्योरी तो क्या कह रही थी कि वो टाइम लगना चाहिए, कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी और जब वो सफिशियंट एनर्जी हो गई तो निकलना चाहिए। तो चाहे समझ आ गया ये सारे पॉइंट्स, क्या एक्सपेरिमेंट है और क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों द गुड थिंग इज जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल स्पेसिफिक टू दिस एक्सपेरिमेंट ही आ सकता है, कोई वो खास वेरिएशन इसमें कर नहीं सकते बिकॉज मतलब यही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वांटम फिजिक्स है तो इसमें जो वेरिएशन क्रिएट करनी है वो बिल्कुल इस तरह ही करनी है कि वो हमारे सिलेबस में रहे, तो पॉसिबिलिटीज जो है बहुत लिमिटेड रह जाती। ठीक है, मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, इतना सा जो टॉपिक है बस। ठीक है, तो ये जो छोटा सा टॉपिक था ये था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फाइनल चार्ज का क्या मतलब है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था बेसिकली कि जब स्टेडी स्टेट आ गई, इन बिटवीन ऐसा भी हो सकता था कि जैसे जब आपने मतलब जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा डाली तो इन बिटवीन तो ऐसा होगा ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रह गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही चले गए पहले सरफेस से, बट धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट हुई। ऐसा भी हो सकता है कि जो चार्ज बाहर जा रहा था वो स्फीयर से अट्रैक्ट होके वापस स्फीयर पे आ जाए। ठीक है, तो वो सब कुछ कर करा के फाइनली ऐसा कब हो जाएगा कि भाई चार्ज अब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो गया तो क्या होगा उसके बाद, तो जो अगर के ई मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा लेट से तो वो कहीं जा नहीं पाएगा ना, वो सरफेस पे ही रेस्ट पे आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपने इस चैप्टर का, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या जिसको आप, इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, जो हम पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी की बात करते हैं। मुझे एक बार बच्चों समझाओ। देखो, डी ब्रॉगली कंसेप्ट का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत आसान है, एक फॉर्मूला ही है, ले देखे, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जो हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात की है कि आप मुझे बताओ बच्चों, केमिस्ट्री से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस बात की, जब हम कहते हैं कि भाई डुअल नेचर है, कि वेव और पार्टिकल डुअल नेचर होती है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, कि जब हम कहते हैं कि एक वेव पार्टिकल की तरह, तो चलो समझ आ गया जो हमने अभी बात की, फोटोन वाली चीज फिर भी समझ आ गई। जब हम कहें कि उल्टा, केमिस्ट्री आप करते हो ना वो, कि भी हर बॉडी की वेव नेचर होती है, उसका क्या मतलब है, मतलब क्या हो जाता है ऐसा वेव नेचर में, तो बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, उसकी वेव नेचर का क्या मीनिंग है, बॉल जा रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो भी जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट्स वेव नेचर? मतलब जो हम उसमें लैम्डा ले आते हैं, वो लैम्डा क्या चीज है? हम कहते हैं ना कि कोई भी मास एम है, वेलोसिटी वी है, हम लैम्डा निकाल देते हैं एच वाई एम वी करके, उसका मीनिंग क्या है? वो पार्टिकल वेव में कैसे कन्वर्ट हो गया, एंड क्या हुआ जब हम उसको कह रहे हैं कि वेव में कन्वर्ट हो गया, मतलब डज इट मीन कि अब वो पार्टिकल, मतलब क्या हुआ उसके साथ, वो तो बहुत अजीब बात है। हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे अभी वेव ऑप्टिक्स में भी, कि जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी होती थी YDSE है, हमने कहा चल लैम्डा निकाल दो और लैम्डा वाले रिजल्ट लगा दो। मीनिंग क्या है मूविंग इलेक्ट्रॉन के लैम्डा का, मीनिंग क्या है बच्चों? किस टाइप ऑफ वेव, आप एक मूविंग पार्टिकल को वेव कैसे मान सकते हो? क्या मेजर करना? चलो वो तो थोड़ा सा हमने पढ़ा है, वो जो आप एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो हाइजेनबर्ग, वो कहता है कि आप पोजीशन नहीं भाई क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते, बट फिर लैम्डा क्या है, मतलब क्या वो पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, या वो पार्टिकल वेव में कन्वर्ट हो गया कोई ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव में? तो क्या होता है बच्चों, ठीक है, दिस इज जस्ट टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मतलब व्हाट हैपेंस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बोल देते हैं कि भाई हाँ जी पार्टिकल जो है वो वेव नेचर एग्जिबिट करता है, ठीक है। सम कॉमन थिंग्स जो कई बार माइंड में आती हैं, इट डज नॉट मीन कि कोई पार्टिकल वेव एमिट करता है, ठीक है, नीदर डज इट मीन कि वही पार्टिकल अब वेव की फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करने लग जाता, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं होता फॉर श्योर, ठीक है। इस फिनोमिना को बच्चों अगर हमें थोड़ा और अच्छे से समझना हो तो हम क्या करते हैं, देखो हम बच्चों एक सेटअप बनाते हैं जहां पे हम, दिस इज जस्ट टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मान लो आप देखो कि मैंने थोड़ा सा YDSE से सिमिलर एपरेटस बनाया, ठीक है, मैंने बच्चों ये 1 और 2 जहां पे स्लिट्स होते हैं, लेट अस से मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गन्स ले ली, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रही है स्पीड से रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है जी। जो राइट साइड पे मेरा स्क्रीन है, ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, तो मैंने वहां पे स्क्रीन पे डिटेक्टर्स लगा दिए जो कि ये बता सकते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वहां पे,
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन वाली मैकेनिक्स, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? फॉर अ मोमेंट लेट्स इग्नोर ग्रेविटी, भाई न्यूटन के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन फायर कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन ये जो मैंने रेड स्पॉट्स बनाए हैं वहां पे पहुंचते रहने चाहिए, बाकी सारा स्क्रीन खाली होना चाहिए, क्या ये मानते हो? ठीक है, बट इन रियलिटी जो ऑब्जर्व किया गया बच्चों वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पूरे के पूरे स्क्रीन पे पाए गए, ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ठीक है, और इनफैक्ट अगर हमने ये निकाला कि भाई स्क्रीन के हर पोजीशन पे हमने निकाला कि भाई कहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, ठीक है, एंड अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो वो ग्राफ बच्चों ऐसा बन गया। ऐसा ग्राफ किस चीज का बनता है? YDSC में इंटेंसिटी का। तो जो ग्राफ इंटेंसिटी का बनता था बिल्कुल वैसा ही ग्राफ यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बन गया, मतलब कि जिसको हम YDSC में कहते थे एज ब्राइट फ्रिंज, उसका यहां पे मतलब था ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है या जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, जिसको आप कह रहे थे YDSC में एज डार्क फ्रिंज, ठीक है, उसका इस फिगर के हिसाब से क्या मीनिंग बन गया? वो पॉइंट जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जीरो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करें इसको, किस मतलब क्या हो रहा होगा जिस कारण से ऐसा पैटर्न देखने को मिल गया हमें, मतलब कहां कॉन्ट्राडिक्शन आई न्यूटन वाली मैकेनिक्स में? तो न्यूटन वाली जो मैकेनिक्स है बच्चों, जो हम जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं, वो ये मानती है कि आप इलेक्ट्रॉन को हर इंस्टेंट पे देख सकते हो, आपको पता चल रहा है कि वहां वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, जो हम निकालते हैं कि पोजीशन एट एनी टाइम डी या कुछ, वो मानती है कि आपको हर इंस्टेंट पे पता चल रहा है, ठीक है। इन रियलिटी जब हम कहते हैं कि एक पार्टिकल की वेव नेचर है, ठीक है, और वो सारा कुछ बच्चों हाइजेनबर्ग उसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप बता ही नहीं सकते कि वो पार्टिकल कहां पे है, आपको नहीं दिख रहा उसकी एक पिन पॉइंटेड पोजीशन, आप सिर्फ कुछ रीजन्स की बात कर सकते हो कि हाँ भाई इस रीजन में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इस रीजन में उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, आप नहीं बता सकते कि भी वो यहां पे। जैसे ही आपने ये कह दिया कि हाँ जी पार्टिकल यहां पे, इसका मतलब है कि आप न्यूटन वाली फिजिक्स लगा रहे हो, आप जो दूसरी नेचर नई वाली फिजिक्स है आप उसकी बात ही नहीं कर, नई वाली फिजिक्स कहती है आप नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ फिर से वही बात कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, कोई बॉल ले ली, कोई ट्रक ले लिया आपने, वहां पे जो वेव नेचर आ भी रही है वो इतनी कम है कि आपको लगता है ऐसा कि आप पोजीशन बता पाए। जैसे ही आप पार्टिकल्स छोटे लेने शुरू करते हो जिनके मासेस बहुत कम है, वहां पे यू कैन नेवर एवर टॉक अबाउट स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखो, मतलब आप पूरा लेट से YouTube सर्च कर लो, नेट सर्च कर लो, क्या आपको कभी फोटो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलती है? नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, क्यों? आप खींच ही नहीं सकते, क्यों? पोजीशन ही नहीं है कहीं कहीं पे, ऐसे है ही नहीं कि एक जगह दिख रहा है और आपने उसकी फोटो खींच ली, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो हमने बस दिखा दिया, ऐसा आपको नहीं दिखता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा, तो वो एक पूरा का पूरा रीजन ही होता है। और तो स्टिल डोंट हैव दोज मच एडवांस्ड ऑप्टिकल डिवाइसेस, जो हम सबसे एडवांस बना भी पाए हैं जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे पिन पॉइंटेड नहीं आपको बता सकता, वो भी रीजन नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए
ऐसी बात ही कर सकते हो जो मैंने राइट पे बनाया हुआ है। और हम यही क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फैमिलियर विद दिस केस, कि आप क्या बात कर सकते हो कि भाई यहाँ पे इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्स या वाई व्हाटएवर, ठीक है। मतलब ये वाली जो एक्सेस है इस पे प्रोबेबिलिटी है और ये वाली एक्सेस पे जो भी इसका कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल एक्सेस पे कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। बात समझ आती है? तो जब आप एक पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो, आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो कि जहां पे उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा। तो जो आप हीजनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ते हो वो भी इसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। जो आप केमिस्ट्री में बच्चों ऑर्बिटल्स पढ़ते हो वो क्या है, वो यही तो चीज है कि हम कह रहे हैं कि भाई हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर है, ठीक है, जिसकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप कहते हो वो क्या है, वो यही तो बता रही है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है और उसका सॉल्यूशन क्या है, सच स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स और रीजंस जहां पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसको आप क्या बोलते हो, मतलब जो आप ऑर्बिटल्स जिनको बोलते हो, जो ये एस टाइप पी टाइप और ये सब, वो क्या है, ये उस सॉल्यूशंस हैं जो बता रहे हैं कि भाई हाँ जी इन रीजंस में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? और जो ये प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ होता है बच्चों, इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज नोन एज डी ब्रॉग्ली, जिसको आप लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम भी कहते हैं। क्या ये बात थोड़ी सी अब समझ आ रही है कि कहां से चीजें कैसे आई हुई हैं, ठीक है। चलो जस्ट कीप दिस इन माइंड, अभी इसका कुछ मतलब कुछ अभी कुछ नहीं करना। आपने बच्चों होमवर्क में एक्सरसाइज 01 का ए बी पार्ट करना है। चलो मैं आज आपको अभी वो भेज दूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी, कल आपको मॉड्यूल मिल जाए। मैं ट्राई करता हूँ अगर आपको आज ही मिल जाए। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड, ए बी पार्ट करना है। चलो ओके बच्चों, बाय।